अध्याय 31। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वो कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में, और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अही सामाक के पुत्र ओहोली आब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं, उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है, उन सबों को वे बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चोखे सोने की दीवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाएं जो मैंने तुझे दी है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इसराइलियों से ये भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे, वो निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे, वो प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे, वो निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इसराइली विश्राम दिन को माना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जान कर माना करें। वो मेरे और इसराइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। अध्याय 32। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं, उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इसराइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, वो यही है। ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग, जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और ये कहा है, हे इसराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, वो यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को ये कहके मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए, वो उनको बुरे अभिप्राय से, अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मंशा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर ये कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है, तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से, जो उसने कहा था, पछताया। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था, और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था, वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, ये जो शब्द है,
वो ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है। मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वो बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इसराइलियों को उसे पिलवा दिया। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिस जिस के पास सोने के गहने हों वे उनको उतार लाएं, और जब उन्होंने मुझको वो दिया मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब ये बछड़ा निकल पड़ा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3,000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वो आज तुमको आशीष दे। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। अध्याय 33। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इसराइलियों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इसराइली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वो उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था, और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वो तंबू में से ना निकलता था। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा, तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है?
क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा।